Hey guys, please subscribe IAS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, IAS Pre 2019 अब सर पर आ रहा है धीरे धीरे और ये बहुत चैलेंज हमारे लिए बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को प्रस्तुत किए थे, वो टॉपिक्स जो एग्जाम में आपकी बहुत मदद कर पाए। आप लोगों का बहुत इनपुट मिला, इसकी वजह से प्री में कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ और कई बच्चों को काफ़ी इसमें हेल्प मिली। ऐसे ही जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो सन 2017 के एंड से लेकर 2019 तक लगातार आपके लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे, उन पूरी सीरीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाउ टू क्रैक 70+ क्वेश्चन इन IAS प्री 2019। तो दोस्तों हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको आपको प्रिपेयर करना है। आज के इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने 12 टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं जिनको आपको प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर या अपने कलीग्स के साथ आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली जैसे कि मैं क्लास में करता हूं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक देने के पश्चात मैं उन 5-5 बच्चों का ग्रुप बना देता हूं और वो बच्चे आपस में इनका जो है वो आंसर सफल करते हैं, ढूंढ कर लेकर आते हैं। इससे एक तो उनका टाइम बचता है और साथ ही साथ वो एक दूसरे से जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका रिवीजन हो जाता है, राइट। तो चलिए मैं उन टॉपिक के बारे में बात करता हूं जो सकता है पढ़ते समय आपकी नजरों से छूट गए हो या आपकी जो है वो पकड़ में नहीं आए हो, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करके रखना है वो साइक्लोन ओखी है, चक्रवात। तो सबसे पहला इसमें चक्रवात क्या होता है, चक्रवात की मैकेनिज्म क्या होती है और चक्रवात के लिए भारतीय कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है और इस ओखी का जो है अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सके, ओखी निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक चक्रवात है, किस प्रकार का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दशा और दिशाएं यानी कि उसकी कंडीशंस कहां कहां हमारे लिए जो है वो फेवरेबल होती है और कहां इंपॉर्टेंट होती है, राइट। ये आपको जो है वो अपने चाहे भूगोल के टीचर से बात करिए या जैसे कि अगर हम लोग 11 जनवरी ये बैचेस शुरू करें प्री स्पेशल, वहां पर भी आके ये जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि जो भारत के अकाउंट्स का जो कंट्रोलर जनरल है। तो ये कैसा पद है, ये संवैधानिक पद है, सांविधिक पद है, इसकी क्या जो है वो शक्तियां होती हैं, ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, इसके विषय में आपको यहां जानकारी जो है वो लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम। तो मैं देख रहा हूं कि जो कृषि और कृषि संबंधित क्वेश्चन है वो लगातार एग्जाम में बन रहे हैं, तो SFAC, तो ये सम्मेलन कहां हुआ, कंसोर्टियम कहां हुआ और इसका मुख्य मकसद क्या था और इसका जो ध्येय रहा वो क्या रहा, ये आपको यहां से देखना है। चौथा टॉपिक है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो मानव संसाधन है उसके जो रूपांतरण के लिए, उसमें जो परिवर्तन करने के लिए जो सस्टेनेबल एक्शन जो एजेंडा है वो क्या है, इसका मकसद क्या है और ये कैसे काम करेगा, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। नेक्स्ट वन है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारे परिवहन के लिए और स्मॉल कनेक्टिविटीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RRTS जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज क्लीन सी 2017, समुद्रों का प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है तो सवाल है कि ये किसका इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा और कौन कौन से कदम इसमें उठाए जाएंगे, क्या इसमें कोई भारत की भूमिका है या नहीं है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी क्लीन सी 2017। छह टॉपिक के बाद हम सातवें टॉपिक पे पहुंचते हैं और वो है ग्रीन हैबिट। ग्रीन हैबिट काफी शब्द चर्चा में रहा तो इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ग्रीन हैबिट क्या है, तो इसके जो प्रमुख तथ्य हैं ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हैबिट टॉपिक को आपकी नजर में लाना मेरी पहली प्राथमिकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरिटाइम काउंसिल, तो ये इस तरह के क्वेश्चन लगातार प्री में बन रहे हैं, तो इंटरनेशनल मैरिटाइम काउंसिल जो है यानी समुद्री काउंसिल वो कैसे काम करती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नवा टॉपिक अगर हम बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज है, आज आप देख रहे हैं कि आभासी मुद्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर हम क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, तो पेट्रो क्या है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाट इज पेट्रो, तो जनरली क्या होता है पेट्रो वर्ड हम जनरली पेट्रोलियम के लिए यूज करते हैं, तो कई बार जो है यूपीएससी इस तरह के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि इस साल चर्चा में रहा पेट्रो क्या है, तो पेट्रो को हम लगता है पेट्रोलियम उत्पाद या पेट्रोलियम संवर्धन, सो ये क्या है, दिस इज द क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, भारत में क्या स्थिति है, जैसे रिजर्व बैंक ने जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के जो संचालन में एक जो है बैन लगाने का प्रयास किया है, बैन लगाने का जो स्टेप उठाया है, तो अभी क्या स्थितियां हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज यूएन पीस कीपिंग मिशन, तो जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है उसमें हमारी क्या भूमिका है, हम लगातार ये शब्द इसलिए भी चर्चा में आया कि लगातार हम सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता चाहते हैं, परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं और हम इस आधार पर ये दावा करते हैं कि यूएन पीस कीपिंग में भारत अपनी सबसे बड़ी भूमिका को जो अदा करता है, तो आखिर ये कैसे काम करता है और भारत का इसमें क्या हिस्सेदारी है, भारत की इसमें क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन है स्ट्रेटजी ऑन रिसोर्स इफिशियंसी, हमारे जो संसाधन
संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं और उन संसाधनों के लिए एक हमारे पास स्ट्रेटजी ऑन रिसोर्स इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन लगातार प्री में आ रहा है, बीईई जो लेवल होता है, स्टार रेटिंग होता है, ऊर्जा दक्षता होती है, वो इसी के साथ निकलकर आती है, इसी आउटकम से निकलकर आ रहा है। दो साल से मैं लगातार इस तरह के प्रश्न देख रहा हूं, तो इस पर आप बहुत फोकस करके चलिए। और 12वां टॉपिक है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कहां होता है, किस आधार पर, हॉर्नबिल किस राज्य का जो है वो पक्षी है, राज्य पक्षी माना जाता है, हॉर्नबिल पक्षी की विशेषता क्या होती है और इस फेस्टिवल का जो है आउटपुट वो क्या होगा, कहां मनाया जाता है, हॉर्नबिल पक्षी की विशेषता क्या है, इसकी स्थितियां क्या है, यानी इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या जो है वो अभी वल्नरेबल है, किस श्रेणी में इसको रखा जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यानी इसका पर्यावरण और इसका जो राजनीतिक परिदृश्य है ये दोनों आपके साथ होने चाहिए। सो आज के लिए आपके पास ये होमवर्क है अगली वीडियो तक आने तक कि आप इनके विषय में जानकारी निकाल कर रखें। ये वो प्रमुख बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं लगभग सभी परिदृश्यों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, भूगोल, इतिहास या अगर मैं विज्ञान, पर्यावरण, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण, जहां पे भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपके सामने रखने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि अपना एक गोल सेटिंग करिए, अपने जो दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाइए और इनके आंसर जल्दी जल्दी निकालिए। साथ ही साथ मैं 11 जनवरी 2019 से प्री स्पेशल बैच शुरू कर रहा हूं, सप्ताह में 2 दिन, और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं क्वेश्चन आंसर माध्यम से आपको मैं उसके साथ लेकर चलूं ताकि आपकी पूरी तैयारी इसमें हो सके। दोस्तों जुड़े रहिए, सशक्त बने रहिए, इस तरह के जो हाउ टू क्रैक 70+ क्वेश्चन इन आईएएस प्री, ये बहुत कामयाब एक सीरीज रही है और उसी सीरीज की जो और एक उत्साहवर्धन, एक नया सेगमेंट है वो आपके सामने लेकर मैं प्रस्तुत हूं। चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो निरंतर इस चैनल पे आ रहे हैं और आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलने चाहिए ताकि इन वीडियोस की सीरीज से आपको फायदा हो सके, चाहे आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हो या आप जो है वो इस बार प्री देने जा रहे हैं, दोनों चीजों के लिए आपके पास इनपुट्स काफी अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों चलिए सफर को शुरू करते हैं और इस बार आप विजेता बनकर निकले, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।